संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन भी विपक्षी सांसदों ने महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया। हंगामे के चलते राज्यसभा के उपसभापति ने तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 6 समेत 19 सदस्यों को शुक्रवार 29 जुलाई तक सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। सोमवार 25 जुलाई 2022 को लोकसभा से 4 कांग्रेस सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। मंगलवार यानी कि 26 जुलाई को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। उपसभापति हरिवंश सिंह की अपील पर भी सदस्य नहीं माने। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर केंद्र ने कहा कि वो महंगाई की समस्या पर बात करने को तैयार हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक होकर संसद में आ जाएं, तब सरकार महंगाई पर बहस करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन का फैसला भारी मन से लिया गया है।